मैं अखिलेश काल का उत्तर प्रदेश बोल रहा हूँ। मैंने साल 2012 से 2017 तक का सपा का कुचक्र देखा है, जिसमें दलितों को पीसा और पैरों तले रौंदा जाता था। मैंने प्रतापगढ़ और कोसी कला के दंगे भी देखे हैं। चंदौली, सहारनपुर और गाजियाबाद के मंदिरों में दलितों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई थी। खुद मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश यादव के गृह जनपद इटावा में दलितों को ट्रैक्टर से रौंद दिया गया था। पोस्टमार्टम जैसे कार्य सड़कों के किनारे होने लगे थे। सपा के एक विधायक ने तो एक दलित पुलिस अफसर का गिरेबान पकड़कर धमकाया तक था। दबंग लोग दलितों की जमीनों को हड़प लिया करते थे और फिर उन पर अत्याचार किए जाते थे। सपाई दबंगों के हौसले उन दिनों इस कदर बुलंद थे कि हापुड़ जैसे शहर में मामूली सी बात पर दलित बच्चे को नग्न कर पेड़ से बांधकर पीटा जाता था, फिर सिगरेट से जलाया जाता था। मुजफ्फरनगर में दलित बच्चियों से गैंग रेप होते थे। और तो और, शाहजहांपुर में तो 5 दलित महिलाओं को नग्न करके परेड करवाई गई थी और उनकी बेंच से पिटाई भी की जाती थी। ये सब मैंने भूतकाल के गर्त में साक्षी बनकर देखा है। अगर आप फिर से उस कुशासन वाले यूपी की चक्की में नहीं पिसना चाहते हैं, तो सपा का अंत सुनिश्चित कीजिए।